हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले इंस्टाग्राम का कुछ क्रिंज रील और करेंगे उसको रोस्ट। कारण सिर्फ एक, थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं इसीलिए। चलो देखते हैं। अरे बाबा, दीदी क्या खाती है? मेरा मतलब दीदी कितना खाती है भाई। देखो, वैसे तो किसी के खाने पे नजर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इन दीदी के खाने पे पाबंदी जरूर लगानी चाहिए। इनका एक महीने के राशन में आधा गांव खा लेगा, जितना खा रही है ये। सही बात है। दीदी ना फुल इंस्पायर्ड है अपने पेट से ही, क्योंकि देखो नॉर्मली लोग या तो दिमाग से सोचते हैं या तो दिल से सोचते हैं। दीदी का अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ अपने पेट से सोचते हैं। यू कहूं अपने पेट के लिए सोचती है। बस तुम्हें ये नहीं पता। अरे भाई साहब, भाई टाइगर श्रॉफ की कितनी कॉपीज घूम रही है मार्केट में। ये कौन सा वर्जन है अबरी? कि तुम्हारे हीरो को एक हीरोइन मिल गई। हीरो को हीरोइन मिल गई? देखो भाई, पहले तो ये गलतफहमी दूर करो कि आपको हीरो किसने बनाया। टाइगर श्रॉफ की तरह से टी शर्ट खोल लेने से और थोड़े बहुत लुक रख लेने से आप हीरो तो नहीं बन गए। नहीं, क्या मतलब आपकी एक्टिंग उनसे ज्यादा अच्छी है? ये क्या गलत बात हुई? वो बॉलीवुड स्टार है, अभी थोड़ा करियर ग्राफ उतना अच्छा नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ? तो है तो टाइगर श्रॉफ ही ना। देखा नहीं कैसे फ्लाइंग जेट से कम बैक हो गया उनका। अरे रीवा जी, एक तो इनको मुझे जी करके बुलाना पड़ता है क्योंकि उम्र में छोटी है, लेकिन देखने में मेरे बराबर लगते हैं, इसलिए इतना पोलाइटली बोलना पड़ रहा है। देखिए, वो जो आपका 99% है ना, वही आपका ओरिजिनल बिहेवियर है, क्योंकि उम्र के हिसाब से वैसे ही हरकत आप करती है। वो तो 1% आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है बड़ी दिखने के लिए, ताकि बॉलीवुड में थोड़ा जल्दी जल्दी काम मिल जाए। एक्टिंग आपकी अच्छी थी उरी में, वैसे एक्टिंग करते ना तो मिल ही जाता, लेकिन ये जबरदस्ती जल्दी बड़ा होने का क्या जरूरत था? वैसे बात सोचने वाली है कि अगर स्कूल में ही 99% आ जाते तो आज ये नहीं करना पड़ता। अब मुझे नहीं, रीवा जी को, इसलिए वो बॉलीवुड में कर रही है ना, मतलब एक्टिंग की प्रैक्टिस वगैरह। और हाँ, थोड़ा बहुत मुझे भी स्कूल में नंबर आ जाता तो मे बी शायद यूट्यूब करता मैं फिर भी, क्योंकि ये मेरा पैसन है, ये मजा आता है, इसीलिए। तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर। अरे भाई क्या डिंपल है आपके! एक तो भाई ये डिंपल वाले लड़के अपने आप को क्या शाहरुख खान समझने लग जाते, डिंपल आ जाता है तो नहीं। ये एक सेकेंड, ये पीछे क्या चल रहा है? आए पहले पहल जब के तुमसे मिली। उड़ी बाबा, ये तो पीछे ही बढ़िया सीन चल रहा है, कैमरामैन उधर फोकस करो। भाई को भी पूरी तरह से पता है कि सामने तो अपुन ही रहेगा वीडियो में, लेकिन ऑडियंस का मेन फोकस रहेगा वो पीछे इतनी सी जगह पे। गुड स्ट्रेटेजी ब्रो, मैं भी यूज करता हूँ अपने रील्स वायरल करने के लिए। तुम लोग भी ट्राई करो, मुफ्त का ज्ञान है, क्या मालूम तुम्हारे भी रील्स वायरल हो जाए। लेकिन उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो पहले, ये मैंने तुम्हें आइडिया दिया है, पर मुझे इन भैया ने आइडिया दिया है तो मैं तो यूज करूंगा, तुम भी करो। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, बाबू। अबे तुम हो गए अपने बाबू के दीवार। हम तो अपने दोस्तों पे भरोसा रखते हैं। ओ सिग्मा मेल के चोदे। इतना उछल कूद करके बोलना जरूरी है? ऐसा लग रहा है गाँव में किसी ने फुलझड़ी जला दी हो। खड़ा ही नहीं हो पा रहा, फुदके जा रहा है इधर से उधर। और भाई ये जो सिग्मा बनने की कोशिश कर रहे हो, भाई इस तरह के लौंडे पता है दो बहाना फिक्स रहता है उनका। पहला तो ये कि भाई हमारी दोस्त के कारण हम लड़कियों पर ध्यान नहीं देते, और दूसरा ये कि हम सिग्मा हैं, हम लड़कियों पर ध्यान नहीं देते। सही बात बताऊं ना तो ये चूतिया है। अरे गांडू लड़की पटती नहीं, सीधा सीधा बोलो ना। और वैसे भी इधर को तुम्हें कौन ही भाव दे, ये ऐसे करते तो लड़की भाव देती है। भाई वो टाइम गया टिकटॉक वाला, अब इसको छपरी ही बोला जाता है। सही बात है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बस इतना ही सही काम। और मन करे तो इंस्टा पे फेसबुक, अबे यार इंस्टा फेसबुक भी फॉलो कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।